सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो यहां पर लगातार रिक्वेस्ट आ रही है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट। तो एक और रिक्वेस्ट यहां पर आई है टैक्सेशन बार एसोसिएशन की तरफ से, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट यहां पर दी गई है फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट केस के लिए 31 अगस्त 2022 तक यहां पर एक्सटेंड कर दी जाए। तो यह रिक्वेस्ट यहां पर करी गई है टैक्सेशन बार एसोसिएशन की तरफ से। फ्रॉम लुधियाना हैज बीन रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंड द ड्यू डेट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) फॉर सैलरीड पर्सन और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए नॉट सब्जेक्ट फॉर ऑडिट 31/7/2022 जो डेट है उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2022 कर दी जाए। आइए देखते हैं ये रिक्वेस्ट जो निर्मला सीतारमन जी को करी गई है, क्या ये पूरी रिक्वेस्ट करी गई है। तो टैक्सेशन बार एसोसिएशन जो है वो एक एसोसिएशन है जिसके अंदर एडवोकेट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर जो एक लेटर लिखा है यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी को कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर करी जाए। कुछ रीजन्स यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, आइए देखते हैं क्या क्या रीजन इन्होंने रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने रीजन दिया है टीडीएस रिटर्न को लेकर। तो क्वार्टर 4/21/22 की लास्ट डेट थी 31/5/2022, उसके बाद जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया गया 15 जून 2022 यानी सिर्फ 45 दिन यहां पर इनके पास थे फॉर रिकंसिलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टर। अगर कोई चेंज करता है तो वो डिडक्टर यहां पर जो फाइल करेगा टीडीएस रिटर्न एंड उसको यहां पर जो देना होगा करेक्ट टीडीएस यहां पर सर्टिफिकेट, उसके बाद ही अकाउंटेंट यहां पर जो फाइनलाइज कर सकते हैं यहां पर अकाउंट और डिटरमाइन कर सकते हैं फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। तो 15/6 के बाद यहां पर का बहुत ही कम टाइम रह गया था टैक्स पेयर के पास रिकंसिलेशन करने के लिए और फाइनलाइज करने के लिए इनकम। उसी के साथ साथ टैक्स पेयर को यहां पर रिकंसाइल करना था, जो इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करी गई थी कंप्लायंस पोर्टल पर वो थी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहां पर डाटा कलेक्ट करना, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना और करेक्ट रिटर्न फाइल करना एक जिम्मेदारी होती है, एक्यूरेट होता है, तो उसके लिए यहां पर थोड़ा समय चाहिए जो यहां पर इनको नहीं दिया गया। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं जुलाई महीने की, बात कर लेते हैं तो जुलाई महीना बहुत ही ज्यादा बिजी रहा है सभी प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट के लिए, बिकॉज यहां पर जो है इस महीने के अंदर यहां पर टीडीएस टीसीएस की चलांस की डेट थी, मंथली और क्वार्टरली जीएसटीआर फाइलिंग की डेट्स थी, उसी के साथ साथ टीडीएस और टीसीएस की क्वार्टरली रिटर्न Q1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिटर्न की डेट थी। उसके अलावा यहां पर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे टीडीएस के अंदर, नए सेक्शन लाए गए थे 194R, 194S, उसके अलावा 194Q, 206C, 1H, जिसके अंदर यहां पर जो वर्कलोड है अकाउंटेंट का वो बढ़ गया है। रिकंसिलेशन करना सभी ट्रांजैक्शन को, करेक्ट टीडीएस और टीसीएस यहां पर डिडक्ट करना, कलेक्ट करना, उसी के साथ साथ अमेंडमेंट यहां पर हुआ है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के अंदर जो यहां पर एडेड किया गया है न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्लायंस। यहां पर सभी अकाउंटेंट ऑडिटर्स जो अकाउंटेंट को यहां पर करना पड़ रहा है कारो का 2020 जो कारो आया है, नया कारो आया, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल 21/22 से वो भी एप्लीकेबल है। तो सभी ऑडिटर्स है जो प्रोफेशनल्स है वो यहां पर रिवाइज ऑडिटिंग प्रोसीजर्स फॉलोअप कर रहे हैं एज पर द बेस ऑन द कारो 2020 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो यहां पर गाइडलाइंस जो टेक्निकल गाइडलाइंस यहां पर इशू करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाई ICI ऑफ नॉन कॉर्पोरेट SSC। तो ये सभी चीजों का यहां पर जो कंप्लायंस है, ऑडिटर्स है, प्रोफेशनल्स है, अकाउंटेंट्स को एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल यहां पर डिस्क्लोजर्स करने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक बर्डन यहां पर पड़ा हुआ है। तो यहां पर बहुत ही कम समय दिया गया है फॉर ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट केस के लिए। उसके अलावा यहां पर लोग कोविड से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉर्मल कैपेसिटी अभी तक यहां पर नहीं हुई है बिजनेस की, यहां पर नंबर ऑफ केसेस जो है वो यहां पर दिख रहे हैं बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। उसी के साथ साथ यहां पर जो है जो रेगुलर प्रोसेस था, जो रिकवरी प्रोसेस था वो स्लो डाउन हो गया, नंबर ऑफ न्यू केसेस यहां पर अराइव हुए हैं, नंबर ऑफ डेथ यहां पर 24 आवर्स में देखी गई है, उसके साथ साथ 1,22,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस यहां पर दिखाई दिए हैं। ऑफिसेस अभी भी फुल वर्किंग कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं ड्यू टू द कोविड की वजह से, एंड यहां पर जो साइकोलॉजी है वो यहां पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रही है जो यहां पर डर और एक माहौल पैदा कर रही है पेंडेमिक का। तो यहां पर जो है डिमांड सप्लाई भी यहां पर जो है रुक गई है एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस की। नेक्स्ट यहां पर जो इन्होंने इश्यू रखा है वो है न्यू इनकम टैक्स पोर्टल को लेकर। अभी तक न्यू इनकम टैक्स पोर्टल रिजोल्व नहीं कर पाया, बहुत सारे इश्यूज है जो अभी भी पेंडिंग है। उसी के साथ साथ जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस टीसीएस की है Q1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, वो यहां पर डेट जो है इसी महीने में 31 जुलाई 2022
22 इसकी भी लास्ट डेट है, जो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही यहां पर डेट है। उसके अलावा आईटीआर 1, 2, 3, 4 असेसमेंट ईयर 22-23 की जो रिलीज करी गई है 1 जुलाई 2022 को, तो यहां पर कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है जो यहां पर 1 जुलाई को ही यहां पर जो है रिलीज करी गई है। सीबीडीटी ने यहां पर 14 जून 2022 को फाइनली रियलाइज करी थी, फाइनल रिलीज करी थी 74 डेज के बाद एक्सेल यूटिलिटी ऑफ आईटीआर 5, जिसके अंदर इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी पर्सन फाइलिंग फॉर्म आईटीआर 7 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ये रिलीज करी गई थी। तो बहुत ही यहां पर कम समय दिया गया है। उसी के साथ साथ इशू ऑफ फाइलिंग इन इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स पोर्टल पर बहुत सारे एरर्स दिखाई दे रहे हैं, रिटर्न अपलोड नहीं हो रहे हैं। 7 जुलाई को यहां पर टिल डेट तक अभी तक यहां पर रिटर्न अपलोड नहीं हुए थे। कॉपीज ऑफ स्क्रीनशॉट्स यहां पर अटैच करी गई है इस जो रिप्रेजेंटेशन के साथ। सॉफ्टवेयर कंपनी जो इन्फोसिस है, उन्होंने भी यहाँ पर इनकम टैक्स को यहाँ पर इन्फॉर्म किया था, कुछ इररेगुलरिटीज यहाँ पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा था वेबसाइट पर। 2 जुलाई 2022 को जो यहाँ पर एनिवर्सरी थी, न्यू इनकम टैक्स पोर्टल की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उसी के साथ साथ हेवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रप्शंस हो रहा है। वर्क रिलेटेड रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर किया गया है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ सिटीज़ के अंदर, और हैवी रेन्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, नेक्स्ट वीक्स हो सकती है। तो वेदर को देखते हुए यहाँ पर शॉर्ट एक्सटेंशन यहाँ पर देना चाहिए, 4 अगस्त तक यहाँ पर जो है 1 महीने का यहाँ पर कंसिडरेशन करना चाहिए डिपार्टमेंट को, ताकि यहाँ पर मदद मिल सके सभी टैक्स पेयर को, प्रोफेशनल्स को, कि अपनी रिटर्न जो है वो यहाँ पर फाइल कर सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट ये पूरी करी गई है फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स एसएससी के लिए, जो यहाँ पर 31 अगस्त 2022 तक 1 महीने के लिए यहाँ पर जो इनको थोड़ा सा एक्सटेंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूरी रिक्वेस्ट करी गई है टैक्सेशन टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से फ्रॉम लुधियाना, जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू सेक्रेटरी, चेयरमैन, प्रिंसिपल ऑफ सीसीआईटी और चीफ कमिश्नर, इन सभी को ये इन्होंने यहां पर भेजी है। तो अभी तक की हमारी यहां पर जो है 15 से ज्यादा तक यहां पर जो है रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, निर्मला सीतारमन जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी, इन सभी को यहां पर गई है। आइए देखते हैं कौन से रिक्वेस्ट अभी तक 15 रिक्वेस्ट यहां पर करी गई है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट गई है, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट गई है, डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन की यहां पर रिक्वेस्ट गई है, पंजाब अकाउंटेंट एसोसिएशन की गई है, महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर अकाउंटेंट की, और यहां पर ऑल उड़ीसा टैक्स बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, हार्वर्ड टैक्स बार एसोसिएशन के, उसके अलावा गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, बीजेपी प्रोफेशनल सेल, सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, शिखर टैक्स बार एसोसिएशन, हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन, जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन और टैक्सेशन बार एसोसिएशन। तो यहाँ पर अभी तक 15 से ज़्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट हुई है इन सभी एसोसिएशन की तरफ से। ये सभी एसोसिएशन लगातार यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, उन सभी को यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी जा रही है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट। रीज़न बताया जा रहा है कि किस वजह से यहाँ पर जो ड्यू डेट है वो यहाँ पर एक्सटेंड होनी चाहिए, और ये सब वैलिड रीज़न है इनकम टैक्स पोर्टल की दिक्कतों को लेकर। यहाँ पर 26AS जो फॉर्म है वो डाउनलोड नहीं हो रहे, इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो रहा है, उसके अलावा डीएससी रिगार्डिंग यहां पर इश्यूज आ रहे हैं, और यहां पर जो पिछले साल के जो फॉर्म्स अगर कोई डाउनलोड कर रहा है तो उसमें भी यहां पर इशू आ रहा है, रिटर्न फाइलिंग में यहां पर दिक्कतें आ रही हैं, और वैलिडेशंस यहां पर एरर हो रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर देखने मिल रहे हैं, और यहां पर उनके अलावा जो कंप्लायंस वर्क है जुलाई वर्क का, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, बिकॉज यहां पर जुलाई महीने के अंदर GSTR 1 थे, GSTR 3 भी थी, TDA TCS की डेट्स थी। तो ये टैक्स प्रोफेशनल्स जो है, जो एडवोकेट्स है, जो लगातार यहां पर मेहनत कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने की, जिसके वजह से यहां पर जो है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, और सभी टैक्स पेयर को जो यहां पर जो है टाइमली यहां पर जो है अभी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लेस टाइम, ये पीरियड यहां पर जो दिया गया है उसकी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो उनको यहां पर जो लेट फीस यहां पर उनकी माफ होनी चाहिए, 1 महीने का यहां पर जो एक्सटेंशन होना चाहिए। आप भी यहां पर जो है इसको सपोर्ट करिए इस वीडियो को, और इन सभी रिक्वेस्ट को आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे हमारे जितने भी वीडियोज बने
ये सभी रिक्वेस्ट पे बने हुए हैं। तो इन सभी चीजों को आप जाकर वहां पर जो है शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करिए और यहां पर जो मैसेज टाइप करिए एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा इन सभी रिक्वेस्ट को और ऐसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस है जितनी भी रिक्वेस्ट है वो आप जरूर शेयर करिए। उसी से यहां पर जो है हमारी आवाज जो है वो वहां तक पहुंच सकती है जहां पर हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, फेसबुक पे शेयर करिएगा, ट्विटर पे भी शेयर करिएगा। अगर आपको यहां पर एक्सटेंशन चाहिए तो यहां पर आपको शेयर करना पड़ेगा। 1 से 100 जनों को शेयर करेंगे तो 100 से 1000 जन का जाएगा, 1000 से 1 लाख तक को यहां पर शेयर होगा सर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा ये आवाज पहुंचाने की कोशिश करिए। सो आज का वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।